ये है पूरी 500 डबल ए बैटरीज और जब इनको एक साथ कनेक्ट किया जाए तो क्या ये घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चला पाएंगे। पहले हम देखेंगे जब इन खिलौनों को बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज मिलेगी तो उस समय ये किस तरीके से काम करेंगे। थ्योरिटिकली देखा जाए तो हमारे पास पूरे 500 सेल है, एक सेल से मिलेगी 1.5 वोल्ट और जब हम इन सभी सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास होगी 750 वोल्ट। बस हमें ध्यान रखना होगा इन सेलों को एक बार कनेक्ट करने के बाद कोई हाथ ना लगाए। Please, no, no! चलो तो ठीक है, एक बार इसकी इच्छा पूरी होने दो। इंसान का बच्चा वर्सेस 198 डबल ए बैटरी। नेक्स्ट हैंड्स प्रूफ 500 डबल ए बैटरी का झटका हमारी टिकट काट सकता है। अगर अभी भी यकीन ना हो तो ये देखो 500 डबल ए बैटरी की पावर से बनने वाली आर्क कितनी ज्यादा खतरनाक है। सोचो इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसने एक स्पार्क में ही मेटल को मेल्ट कर दिया। इस समय ये आरसी कार सिर्फ 3 सेल से चल रही है, स्पीड बहुत स्लो है। अब धीरे धीरे हम इसे 10 15 20 सेल से कनेक्ट करेंगे जिससे वोल्टेज बढ़े और फिर क्या होगा वो हमें पता चलेगा। 10 सेल स्पीड पहले से बहुत तेज हुई है, 15 सेल अब स्पीड लगभग डबल से भी ज्यादा हो गई, 20 सेल एकदम अनकंट्रोल स्पीड हो चुकी है, टायर इतनी स्पीड से घूम रहे हैं बार बार ड्रिफ्ट मार रही है ये गाड़ी, 25 सेल जैसे ही हमने कनेक्ट करने की कोशिश की धुआं उठ गया इसमें से और इसका खेल खत्म। नेक्स्ट है ये प्यारा सा डांसिंग कैक्टस, 5 सेल नॉर्मल स्पीड, 8 सेल फास्ट, 10 सेल सुपर फास्ट, 15 सेल अब बस ये उड़ने ही वाला है, 20 सेल 25 सेल खेल खत्म। नेक्स्ट है ये खरगोश का बच्चा, 5 सेल अभी तो इसने चलना सीखा है, 10 सेल अब ये भागकर उछलने भी लगा, 15 सेल शायद अब ये फिर से चलना भूल गया, एक जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा है, 20 सेल बहुत तेज स्पीड है कोई हाथ मत लगाना, वाव इसका भी खेल खत्म। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अब ट्राई करेंगे ये कितने वेट को उठा पाएगा हाई वोल्टेज में, नॉर्मली तो ये 3 ग्राम के वेट को भी नहीं उठा पा रहा। 5 सेल लगता है पावर बढ़ानी पड़ेगी, इतने में तो नहीं उड़ेगा ये, 10 सेल ओ भाई इसने 3 ग्राम के वेट को तो उठा लिया, 25 सेल वेट 15 ग्राम ओ भाई ये भी उठा लिया, 40 सेल उतने ही की हेलीकॉप्टर से सीधा ये तो रॉकेट बन गया, 45 सेल वेट 50 ग्राम कोशिश तो इसने बहुत की लेकिन अब हाई वोल्टेज से मोटर भी खराब हो गई इसकी, खत्म। नेक्स्ट है ये ओर्बिस गन, ये तो नॉर्मल पावर से भी बहुत तगड़ी चल रही है, 5 सेल 10 सेल 15 सेल अब स्पीड बहुत तेज बढ़ती जा रही है, 20 सेल अब तो आवाज से ही पता चल रहा है इसकी मोटर कितनी तेज घूम रही है, 30 सेल पता नहीं क्यों भाई मोटर चलने की तो आवाज आ रही है लेकिन ओर्बिस निकलना अब बंद हो गई और अब ये भी खराब। नेक्स्ट थोड़ी तोड़फोड़ करने के बाद अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि हाई वोल्टेज में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है लेकिन हमने कुछ ज्यादा ही हाई वोल्टेज का झटका दिया इसे, और हाँ तुम ऐसा कुछ भी घर पे या कहीं पर भी ट्राई मत करना। फटने के बाद इसमें से धीरे धीरे धुआं निकलना स्टार्ट हुआ और ये इतना बदबूदार था मर गए भाई। मैं सोच रहा था ये रजिस्टर भी फटेगा लेकिन ये तो बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलकर एकदम लाल हो गया। एलईडी बल्ब क्या ये बहुत तेज रोशनी के साथ जलेंगे? नहीं ये तो फट गए। अब इंतजार था ये देखने का बिना किसी डीसी टू एसी कन्वर्टर के इन 500 सेल से हम किन किन चीजों को चला सकते हैं। शुरुआत मैंने इस छोटे एलईडी बल्ब से की जिसको लगाते के साथ ही ये तो जल गया, क्या बात है। एक और बड़ा एलईडी बल्ब, ओ ये भी चल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था हम इन सेल की मदद से और भी चीजों को चला सकते हैं। इन सेल की मदद से हमने नॉर्मल फिलामेंट वाले बल्ब को भी जला दिया, इस समय ये तो नॉर्मल से भी बेहतर रोशनी के साथ जल रहा है और बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो रहा है। बस डर था इतनी हाई वोल्टेज से चीजें खराब भी हो सकती है, कभी हमारे टीवी का सिस्टम ही ना उड़ जाए। तुम्हारे सामने है, मैं डायरेक्ट सेल से चला रहा हूँ इसे, देखते हैं ये चलेगा या नहीं। क्या बात है, टीवी भी चल गया। अब वोल्टेज बहुत स्पीड से ड्रॉप होगी इसलिए फटाफट से और भी चीजों को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पंखा चलाने की कोशिश थी हमारी, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिए लेकिन पंखा तो हल्का सा भी नहीं घुमा, हाथ से घुमाकर फटाफट से चलाने की कोशिश की बट फेल, नहीं चल रहा भाई ये तो, ये शायद एसी करंट के लिए ही बना है, नहीं चलेगा ये। मिक्सर मशीन एक हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम है, अगर भाई ये चल जाती है तो चांस है शायद एसी भी चल जाए। इसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, 3 2 1 ओ भाई ये भी चल गई, 1 2 3 सभी स्पीड पे चल रही है, मतलब तगड़ी पावर आ रही है इन सेल की मदद से। अब बस इसे फटाफट से बंद करते हैं और नेक्स्ट हमने एयर ब्लोअर चलाया, बिल्कुल सही ये भी आसानी से चल गया। ड्रिल मशीन क्या लगता है तुम्हें ये चल पाएगी? यस बिल्कुल फुल पावर के साथ, देखो इसने तो लकड़ी में भी आसानी से छेद कर दिया,
कुछ चीजें ऐसी थी जिन्हें प्रॉपर एसी करंट ही चाहिए था और वो नहीं चले। अब फाइनली एसी को चलाएंगे इन 500 सेल की मदद से। इसी चलाने के लिए सारा तामझाम रेडी है, सेल एकदम चार्ज है। 1 2 3 बहुत बार ट्राई किया हमने, बस एक सेकंड के लिए लाइट जल रही है, मतलब 500 सेल से एसी नहीं चल पाया। वेल तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।